अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और ज़िंदगी में पहली बार मैं ये मतलब मैं 10 बजे सोयाऊँगा ज़िंदगी में पहली बार ये सोच के कि सुबह जल्दी उठूँगा। लेकिन 2:30 बजे से मेरी नींद खुली हुई है, 2:30 बजे से ये नहीं पता था इतनी जल्दी उठ जाऊँगा। उसके बाद से नींद ही नहीं आ रही है, मतलब 10 बजे सोया हूँ मैं, 10:30 तक शायद नींद आ गई थी मेरे को और सीधा 2:30 बजे उठा हूँ और अब नींद ही नहीं आ रही और समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। और शूट अपने फ़ोन से कर रहा हूँ फ़िलहाल में, अभी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है आपके पास। जो सैमसंग के फ़ोन से मैं शूट करता था पहले वो सैमसंग का फ़ोन हो गया ख़राब, हालांकि मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसकी स्क्रीन और बैटरी में कुछ दिक्कत आई है। बैटरी मेरे को लग नहीं रहा ख़राब है, लेकिन हो सकता है कुछ उसके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आई हो, लेकिन उसको ठीक कराना बनता है क्योंकि बहुत बढ़िया फ़ोन है। और इस ओप्पो से जो मैं मतलब रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैंने इसकी पिछले व्लॉग में एडिटिंग देखी थी, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में डाला इसकी वीडियोज़ तो ये लिप सिंक मेरी भाई सब कहीं और चली गई, वीडियो कहीं और चल रही है, इतना दिमाग खराब हुआ। मतलब लिप सिंक मैच करना और वीडियो मैच करना बहुत भाई साहब बहुत सिरदर्दी वाला काम है, तो बहुत गुस्सा आया मेरे को। लेकिन अब देखो ये वीडियो भी हो सकता है वापस से अगर मैं डालूं सॉफ्टवेयर के अंदर तो फिर से हो सकता है कि यही प्रॉब्लम है, फिर से मेरे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत पंगे वाला काम है। लेकिन फिर भी हाँ ये कह लो कि क्वालिटी ठीक है, मतलब वही है सैमसंग जैसी ही मान लो, मैं तो इससे ऊपर तो मतलब ये ऊपर भी नहीं कहूँगा नीचे भी नहीं कहूँगा, सैमसंग जैसी है क्वालिटी तो मुझे तो बस। हालांकि वैसे सही टाइम पे मैंने वो चीज़ ले ली जो आपको दिखाने वाला हूँ रिव्यू, वो आ जाएगा। अब कोशिश करता हूँ अभी सोने की, अगर नींद आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर देखो क्या करता हूँ, कुछ खाने को भी नहीं है और खाना खाऊँगा वो भी 3:30 बजे सुबह के, तो सबकी नींद खुल जाएगी, गालियाँ खाने को मिलेंगी, खाने को क्या ही खाऊँगा, गालियाँ पहले मिल जाएंगी। बाकी कोशिश करता हूँ 4:30 बज गए, 5 बजने वाले हैं, 5:30 बजे छत पे चला जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा। और बहुत वेट बढ़ गया यार, बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ चुका है, तो उस वेट को कम करने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खाना कितना आसान है, अभी जो आपने मतलब वॉइस में थोड़ा डिफरेंस देखा था तो मुझे भी बाद में पता चला जब मैं अपनी खुद की वीडियो देखी, मतलब सैमसंग के फ़ोन में ये पंगे नहीं थे यार, बहुत अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करता था, बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसकी वीडियोस में सॉफ्टवेयर में डाल देता था एडिटिंग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि ये वीडियोस भी इसके अंदर एडिट करने के लिए डालूंगा लैपटॉप में, तो मे बी हो सकता है कि ये फिर से वही पंगा करे, लिप सिंक कहीं और वीडियो कहीं और। ये हाथ से पकड़ रहा हूँ मतलब इस हाथ से, तो लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, तो अब देखना वॉइस का क्या डिफरेंस है। अब राइट हैंड से दोबारा पकड़ रहा हूँ, अब देखना क्या डिफरेंस है वॉइस का। तो ये बहुत बड़ा मेरे को पता ही नहीं कि क्या बनाया है, और इतना महंगा मतलब 19,000 का फ़ोन लेने के बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को वैसे तो छोड़ो, मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा, पहले सुबह हो जाए फिर ढंग से बात करेंगे। एक सामान और आ गया है मेरा अमेज़ोन से जो कि मैंने मंगाया था, और हाँ फिर रात को मैं सो गया था, जैसी लास्ट मतलब आपने देखा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, उसके बाद जब सोया हूँ फिर सीधा 9 बजे आँख खुली है मेरी। ज़िंदगी में पहली बार एक अनबॉक्सिंग हो रही है, अब तो समझ ही गए होंगे सारे के सारे कि क्यों मैंने ये मंगाया है, क्या चीज़ निकल के बाहर आई है यार। ये हेलमेट माउंटिंग है जो कि मेरे काम आने वाली है और इसी से वो चीज़ लगेगी, अब तो सबको पता चल गया होगा ये किस लिए है, क्यों है, किस लिए है। पर बिल्ड क्वालिटी भाई साहब बहुत अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है,
और ये हेलमेट माउंट मेरे को पड़ा है 500 रुपये का, 489 रुपीज़ का, मतलब 500 ही हो गया राउंड फिगर में तो। और बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ये ब्लॉग छोटा सा ही रखता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे को वरना बड़ा रखूँगा तो एडिटिंग करने में। तो इसी के साथ ब्लॉग चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। चाचा बाय 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 बाय।